सत श्री अकाल जी, तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरों का विशेष बुलेटिन लेके हाजिर हाँ। सब तो पहला सुरखियां ते चार। खेती कानूनों को लेकर केंद्र ते किसानां विचाले टकराव वधिया। किसानों के खदशा दूर करने के लिए भेजा गया सी प्रस्ताव, कहा नरेंद्र सिंह तोमर ने। प्रधानमंत्री ने रखा नवे संसद भवन का नींह पत्थर। बंगाल दे विच जेपी नड्डा के काफले के उत्ते हुई पत्थरबाजी। रेल लाइन टुटी होने करके कई घंटों तक रुकी रही अवध असाम एक्सप्रैस। तो हुण खबरों का विस्तार। खेती कानूनों को लेकर केंद्र ते किसानों विचाले टकराव होर वध गया। केंद्र की प्रैस कॉन्फ्रेंस तो बाद किसानों ने भी वड्डा ऐलान कर दिता है। किसान आगुओं ने प्रैस नूं संबोधन करदिआं कहा कि पूरे देश में अंदोलन तेज़ होगा ते 12 दसंबर तो पूरे देश दे विच टोल प्लाजे घिरे जाणगे। उन्होंने कहा कि 14 दसंबर को पंजाब के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के अगे धरने शुरू होणगे। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि हुण पूरे भारत दे विच रेलवे ट्रैक रोके जाणगे, जिसकी तरीक जल्द ऐलान होगी। किसानों वालों रेलवे लाइनों के उत्ते मुड़ धरने शुरू करने की तैयारी की जा रही है। खेती कानूनों खिलाफ़ किसान अंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली दीआं सरहदां दे उत्ते डटे किसानों के अंदोलन का अज 15वां दिन है। इस दरमियान वीरवार को खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि खेती कानून लोग सभा ते राज सभा दे विच चर्चा तो बाद ही पास होए ने। यह बिल चार चार घंटे की बहस मगरों पास किए गए हैं। चर्चा दौरान सारे संसद मैंबर ने अपने विचार रखे ने। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों की आमदन वधे, खेती खेत्र के विकास लिए यह कानून बनाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसान जदों मर्जी गलबात करने वास्ते आ सकते हैं। ये कानून आए तो इन कानूनों के माध्यम से सरकार की कोशिश थी कि किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो और मंडी की परिधि के बाहर वह अपना माल किसी को भी कहीं भी और अपनी मनचाही कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र हो, ये कानून में प्रावधान किया गया। मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अभी कोई भी कानून इस बात को प्रावधित नहीं करता कि 3 दिन के भीतर उसके उपज का कीमत बेचने के बाद उसको भुगतान हो जाएगा, लेकिन इस कानून में इस प्रकार का प्रावधान किया गया। हम लोगों ने उनको मुद्दों के प्रस्ताव बनाकर भेजे। विशेष रूप से उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना, तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है और APMC इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, MSP भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। और ये सब उनको बताने की कोशिश की और फिर उनको हमने यह लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार को किन किन कानूनों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवें संसद भवन का भूमि पूजन करके नींह पत्थर रखा। इस तो बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता तो बाद भारत की दिशा दिती, तो नवा भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन के देश दीआं लोड़ां दी पूर्ति लई काम होया, तो नवे भवन के 21वीं सदी के भारत दीआं उम्मीदां दी पूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ तो वध भारतीआं लई माण दा दिन है जदों असी इस इतिहासक पल के गवाह बन रहे हैं।
नवें संसद भवन नवें ते पुराने दे सह अस्तित्व दा एक उदाहरण है। ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਨੱਡਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨੱਡਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰਾ ਕੋਲ ਰੇਲ ਲਾਈਨ 2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਧ ਅਸਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰਾ ਵੱਲ ਵਧੀ ਤਾਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਇੰਜਣ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੇਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਗਾੜੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਗਾੜੀ ਕੋ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਗਾੜੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਨ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ। 80-80 ਸਾਲ 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਦੀ ਰਾਤ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟਿਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਾੜ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਖਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹੀ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੀ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਟਿਮਕਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ।
भावें कोई व्यापारी है, भावें कोई किसान है, भावें कोई मजदूर है, भावें कोई नौकरी भी करता है, किसी भी किते नाल संबंधित है, वो सारा किता साडा आर्थिक तौर के उत्ते भी समाजिक तौर के उत्ते भी किसानी नाल संबंधित है। सो अज जिहड़ी मार पै रही है, जो साडे नाल धक्का हो रहा, जो साडे नाल धोखा कर रही है भारत सरकार, उहदे वास्ते मेरे ख्याल है ये जिस तरह वड्डियां कुरबानियां पहलां कीतियां, किसी धर्म से कोई गल हो गई है, किसी साडी होर कुरबानियां करनियां पईयां, ते अज मेरा ख्याल है कि इस मुद्दे उत्ते सारा देश ही नहीं संसार दे सारे लोग जिहड़े इकट्ठे हो गए हैं कि जे भारत सरकार ने यह मारू हल्ला किया, जे ये मारू बिल पास किए तो साडा जीवना जिहड़ा वह खत्म हो जाएगा। एक सरमाएदार लोगों के साडी जायदादा चल जाएगियां, असी बेमालक हो जाएंगे। जो बेमालक हो जाए फिर समझो कि खास करके पंजाबी तो वैसे नहीं जी सकता, उहदी पग नूं हत्थ पै गया, वह भावें चार कनाल का मालक होवे वो अपने मालक समझदा। ये बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सानू मालक बनाए, जे सानू मालकी का हक लैण वास्ते एडिया कुरबानियां करनियां पईयां ते अज असीं बेमालक किस तरह रह के जी सकते हैं। ते जिहड़ी अज सेवावां पंजाब दे लोकां ने खास करके भावें देश दे लोग ही कर रहे हैं, वर्ल्ड च भी लोग कर रहे हैं, जो पंजाबियां ने उत्थे सेवावां कीतियां, जो उत्थे लखां दी गिनती च पहुँच के अपनी हाजिरी भरी है, उहदे च बहुत संघर्ष विचों गल्लां सामने आईयां। मैं एक देख रही सां कि वह संघर्ष ने जिहड़ियां पुरानियां साडियां रवायतां सी, एक तो उन्होंने लोगों च करके विखाता, दूजी गल कि लोग कहिंदे सी कि पंजाबी कमजोर हो गए है, पंजाबी नशेड़ी हो गए है, पंजाब नशे च गलतान हो गया। अज जदों उत्थे देख रहे हैं वह पंजाबियों की जबान चो जदों सिख इतिहास के पन्ने फोले जा रहे हैं, गुरबाणी के पाठ किए जा रहे हैं, गुरबाणी बार बार दोहराया जा रहा है, तो गौरवमय इतिहास दल्ला की जाए, उस वेल सीना उच्चा होंगे कि साढ़े बच्चे, साढ़े नौजवान, साढ़े बजुर्ग किमें गुड़च होए पे ने अपने सिख इतिहास में किमें जुड़े हुए हैं। सो यह भी दस दिता कि असी जदों भी कोई मुसीबत बने एकता ना लड़ते हैं। किसानी विरुद्ध पास किए गए तीन कानूनों के खिलाफ श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह लगातार केंद्र सरकार को कानून वापस लेने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए सी कि कानून पास करने तो पहले किसी माहिर की सलाह ली जाती। उन्होंने इस अंदोलन में शामिल होने वाले नौजवानों को अपील की कि संघर्ष दौरान शांति से संजम बनाई रखन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी मंदभागी गल है कि भारत का किसान इस वक्त अपनियां जायज़ हकी मंगा लई संघर्ष कर रहा है और काफ़ी लंबे समय तो ही सियाल दियां ठंडियां रातां सड़कां दे उत्ते कट्टण लई मजबूर हो रहे हैं। भारत सरकार ने जिहड़े तीन खेती ऑर्डिनेंस जारी किए ने उन्हां नूं रद्द करवाउण वास्ते किसान जिहड़ा है वह जूझ रहे हैं। सरकार नूं चाहिए है कि बिना देरी कीतियां किसानां दी इह मंग जिहड़ी है वह प्रवान करे, ये ऑर्डिनेंस जिहड़े है वह रद्द होने चाहिए ने, क्योंकि जो भी सरकार कोई कानून बनाती है तो जिस तालुक कानून बनाया जाता है उस वर्ग के लोगों के नाल राय मशवरा जिहड़ा वो जरूर करती है। पर खेतीबाड़ी संबंधी तीन ऑर्डिनेंस पास कर लगी हैं सरकार ने, किसान धिरां नाल जां खेतीबाड़ी माहरां दे नाल लगदा गलबात नहीं की, तो ना ही लोग सभा राज सभा दे विच प्रॉपर जिहड़ी है इन्हां बिलों के उत्ते बहस हुई है। एक बड़ी ही काली काली दे विच बल पास किए जिहदे नाल सरकार दे उत्ते शक जिहड़ा होना जिहड़ा वो सुभाविक है, तो किसानों के तौखले जिहड़े ने, किसानों के फिक्र जिहड़े ने ये वाजिब ने, तो सरकार को चाहिए है कि ये ऑर्डिनेंस जिहड़े है वो रद्द करे। सरकार कह रही है जी आपां खोद कर दिंदे आ, किसान कह रहे रद्द करो, की होना चाहिए? देखो तालमेल आपस के किसान जथेबंदियां तो सरकार जी आपस के तालमेल बिठा के किसी नतीजे के उत्ते पुज सकदियां और किसी नतीजे के उत्ते पुजना चाहिए है ताकि किसानों दी जिहड़ियां वाजिब मंगा ने वह मनिया जा सकन। दूजी गल, मैं किसान संघर्ष के जिहड़े साडे नौजवान है उन्होंने ये अपील करनी चाहुंदा कि जिहड़े संघर्ष है वह शांति दे नाल जित्ते जाते हैं, संजम दे नाल जित्ते जाते हैं और जाबते विच रह के जित्ते जाते हैं। इस करके संघर्ष के दौरान शांति बनाई रखी जाए, जाबते विच रहा जाए और संजम तो कम लिया जाए, तो टकराव वाली स्थिति जिहड़ी है वह सरकार वास्ते भी बहुत घातक है। सरकार जिहड़ा है वह टकराव की बजाय किसानों के मन की बात नूं सुने तो फिर उन्हां दीयां जिहड़ियां मंगां ने उन्हूं प्रवान करे। इस अंदोलन के एक चीज़ जिहड़ी नवीं देखण नूं मिली कि जिथे सारिया सियासी या धार्मिक धिरां ने वह भी एकजुट नज़र आ रही ने, दूसरे पासे सारे जिहड़े धर्मां दे नाल संबंधित मुसलमान भाईचारा जिहड़ा उन्हां वल्लों लंगर लगाए जा रहे हैं, हिंदू भाईचारा भी उत्थे एकजुट नज़र आ रहा, इस चीज़ नूं तुसीं कितना देखदे? देखो ये जिहड़ा संघर्ष है ये पंजाब के किसानों का नहीं है, सिखां का नहीं है, ये संघर्ष
जड़ा है वह हिंदुस्तान के किसानों का है, भारत के किसानों का है। तो बड़ी खुशी वाली गल है कि ये सारे धर्मों के लोग जोड़े है वो संघर्ष के किसानों की मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, देना भी चाहिए है। होर जड़िया धिर ने चाहे वह छोटा व्यापारी है साडा साढ़े दबे कुचले समाज के जोड़े हिस्से ने जिन्हों चिर तो जोड़ा लताड़िया नताड़िया गया है वह भी इस संघर्ष के अपना योगदान पा रहे हैं। ये मैं समझता कला किसान नहीं बल्कि हर मजदूर हर छोटे व्यापारी छोटे जड़े है दुकानदार ये सब का सांझा संघर्ष है। सरकार ये गौर करनी चाहिए। सरकार की जी बहुत वही जी गलत किस्म की जी है वो एक कवायद है तो ये जोड़ा नैशनल मीडिया वह कुछ हिस्सा भी जोड़ा वो रोल पा रहा है रोल अदा कर रहा है। ये संघर्ष का खालिस्तान के नाल कोई लेना देना नहीं है तो इसनों खालिस्तान के नाल जोड़ के एंटी जोड़ा हैगा नैशनल इन्हों किसानों जोड़ा साबित करना ये जी है घाटत जी है बहुत भैड़ी है मंदभागी है ये नहीं करी जानी चाहिए। बहुत सारिया शख्सियतों उ जाके अपनी हाजिरी भर रही है कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार उ श्री किसानों के संघर्ष में जाएंगे जी। असी मन करके किसानों के संघर्ष के हाजिर ही हाँ। साढ़े तख्त श्री दमदमा साहब तो स्टाफ जोड़ा बहुत सारा गया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी जी गई है जो जरूरत पैंदी है तो जरूर जावे। देखो भारत के बहुत सारे लोग जोड़े है वह विदेशों के वसते हैं तो जो भारत के लोगों के मन के उत्ते कोई पीड़ा होंगी है तो सुभाविक ही है कि वह पीड़ा जी है विदेशों के वास्ते साडे भारतीय भाईचारे तक भी पहुँचती है। खुशी वाली गल है कि भारतीय भाईचारे जोड़े ने वह भी किसानी संघर्ष के किसान धिरां दा साथ दे रहे हैं। आखिरी सवाल सिंह साहब जिहड़ा एक इस पूरे मामले दे विच एक तां कंगना रणौत दा जिहड़ा ट्वीट सी उसनों लैके उन्होंने बीबिया के उपर टिप्पणी की और योगराज वालों भी एक जिहड़ा बयान दिता गया सी उसनों लैके तुसीं अजिहे लोगों नूं की कहना चाहोगे इस संघर्ष दे विच क्योंकि इहनूं दूसरे पासे नूं मोड़ सकदे ने। जिहड़ा भी बयान किसानी संघर्ष नूं जिहड़ा फेल करन दे लई जिहड़ा है वह आ रहा है मैं उहदे नाल कतई सहमत नहीं हाँ। जिहड़ा किसानी संघर्ष की हमायत होनी चाहिए है तो मैं सारिआं नूं यह कहना चाहुंदा कि इन्हां किसानां दी हमायत करो क्योंकि जे मुल्क की किसानी बचती है तो फिर असी रज के रोटी खा सकांगे तो जे किसानी का माड़ा हाल हो गया तो अनाज दीआं कीमतां असमान नूं छू गईआं तो सब तो वड्डा नुकसान जिहड़ा वह आम लोगों का होना है जिन्हां नूं महंगे मुल दे उत्ते रोटी ते चावल नसीब होने हैं। इस करके ये किसान धिरां दा साथ देना इस वक्त वड्डी जरूरत है। वाहिगुरु कृपा करे कि अज ही जित हो जाए तो किसान शान दे नाल अपने घर च परतन संघर्ष कर रहे योधे जिहड़े अपने घरी आउण अज ही उन्हां दी मंग मन्नी जावे सरकार वल्लों। अरदास है अकाल पुरख दे अगे। अंबानी वर्गे देसी विदेशी कारपोरेट लोटुआ दे मुनाफिया की भुख पूरी करन दे लई किसान खपतकारां ते आम लोगों की संघी कुटन दे लई मोदी सरकार वल्लों घड़े गए खेती नाल संबंधित काले कानूनों खिलाफ़ जारी किसान संघर्ष ने फिर कूफाशी सरकार दीआं चूणा हिला के रख दित्तियां ने। देश के लोगों वालों मिले अपार जन समर्थन सदका यह संघर्ष हुण सही अर्थां विच लोक युद्ध का रूप धार चुकिया ते इस दीआं गूंजां विश्व भर के सुनिया जा रही ने। यह शब्द भारतीय इनकलाबी मार्क्सवादी पार्टी के जनरल सकत्र मंगत राम पासला ने पार्टी वालों आयोजित प्रभावशाली कॉन्फ्रेंस के एकत्र होए लोगों को संबोधन करदे कहे। उन्होंने कहा कि इस शानामते संघर्ष की फतेह जिस दीआं पूर्ण संभावनावां ने भविख विच किरती श्रेणी के संघर्षां दीआं जित्तां दे राह पदरे करेगी। अज रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वालों एक तहसील पद्धर की कर्मी कॉन्फ्रेंस की इस करके असी जो दिल्ली किसान अंदोलन चल रहा तीन काले कानूनों वापस कराने लिए असी उस अंदोलन होर तेज़ करने वास्ते लोगों को सद्दा देने वास्ते कॉन्फ्रेंस की। मोदी सरकार ने जिस ढंग ने कानून पास किए हैं जिद किसान जमीन भी खुसन गिया और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टुट जाएगा लोगों काले बाजार चो चीज़ा मुल लेनिया पैनगिया और कारपोरेट घराणियों की खेतीबाड़ी शुरू हो जाएगी असी इन कानून वापस करवाना चाहते हैं। और दूसरा जी 14 तरीक न सदा दिता ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी ने सांझी वड्डी कमेटी ने तो 14 तरीक न हर जिले नज़ारे के धरने किए जा इतने तरन तारण पंजाब तो सारे च होएगा पर तरन तारण का वड्डा नज़ारा डीसी दफ्तर के सामने होएगा। असी ये ऐलान करना चाहते हैं कि मोदी दी सारिया साजिशा इस अंदोलन बदनाम करने लिए कभी वो खालिस्तानी कहता कभी कहता विदेशों चो मदद मिलती चीन से पाकिस्तान चो असी फेल करके इस अंदोलन कामयाब करांगे। सानू पूरा भरोसा लखां की गिणती लोग बैठे आ
ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅਸਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆ। ਮੋਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਕਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ CAA ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ COVID-19 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਸਿਸਟ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ UAPA ਵਰਗੇ ਔਰ ਸਡੀਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ 124A ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।